जवान माफियाओं की दबंगई, पुलिस कांस्टेबल के सर पर मारी गोली, फायरिंग से कस्बे में मची चीख पुकार। उत्तर प्रदेश के आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आगरा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खनन माफिया ने अवैध तमंचे से पुलिस कांस्टेबल के सर में गोली मारी है। खेरागढ़ कस्बे में खनन माफिया ने पुलिस पर फायरिंग की है। फायरिंग की आवाज से कस्बे में चीख पुकार मच गई है। दरअसल पुष्पा देवी पब्लिक उमा विद्यालय के सामने ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। घायल पुलिस कांस्टेबल को पुलिस ने हायर सेंटर के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंची खेरागढ़ थाना कोतवाली पुलिस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस कर्मी उस जगह पर छानबीन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर दबंगों ने गोलियां चलाई थी। वही पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। सूचना पे पुलिस पहुंचने पे फायरिंग कर दी। अभी जो कांस्टेबल घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल से बाहर हैं, और यहाँ पे हम लोग कैमरे वगैरह चेक करवा रहे हैं। एस ओ जी और सर्विलांस को भी लगा दिए गए, और उसके कुछ बाकी लेंगे भी लगाई गई हैं जो क्राइम पर अच्छा काम करते हैं। अभी गिरफ्तार आगे की प्रगति कर रहे हैं। सर पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या कहना? देखिए काफ़ी पहले इस तरह की घटना यहाँ पे लोग बता रहे हैं हुई संगठन, दो साल बाद अभी फिर इस तरह की घटना उसकी बिल्कुल नज़र रखी जाएगी और यहाँ पे टेस्ट वगैरह बनाई जाएगी। सभी घटना जो भी इस तरह के क्रिमिनल एलिमेंट्स उनके ऊपर गुंडा गैंगस्टर वगैरह की कार्रवाई पहले भी हमने किया है। 5 गैंगस्टर हम लोगों ने इस तरह के लोगों को बनाए, दोबारा इनको चिन्हित करके दोबारा करेंगे। आप भविष्य में जो घटना में जब पुलिस मौके पर आई थी उस समय बताते पुलिस पर असली नहीं थी। पुलिस जो मौके पर आई थी, क्योंकि सूचना इनको प्राप्त हुई थी तत्काल यहाँ पहुँची थे, और इस पूरे मामले की जाँच ऐसी कर रहे हैं जो भी सामने आए। सर कितनी टीमें गठित की गई? सर 6 टीमें गठित कर दी गई, जिसमें कश्मीर उनकी सर्विलांस और सी को भी लगाया गया, जिनके पास इस तरह की सूचनाएँ रहते हैं। लोकल लोगों को भी अपने कोई भी सूचना प्राप्त होती है तत्काल पुलिस को बताया।